आइसक्रीम खाते हुए। यहाँ कुछ भी हो सकता है। भांजी आने वाली है नामिका। इधर को हेलो बोलो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप जो जहाँ कहीं भी होंगे एकदम सही होंगे, मस्त होंगे और हैप्पी हैप्पी होंगे। तो सबसे पहले तो आज आप लोगों को घी संक्रांत की हार्दिक शुभकामनाएं। घी संक्रांत एक्चुअली उत्तराखंड का लोक पर्व है, तो कुछ लोग जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे इस त्यौहार के बारे में। तो हम उत्तराखंड के हैं, तो आज हमारा त्यौहार है घी संक्रांत कहते हैं इसको। अब घी नाम से आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ। घी संक्रांत मतलब घी। आज के त्यौहार में हमारे मम्मी पापा हमें कहते थे कि घी खाना ज़रूरी होता है। किसी के घर में होता है, किसी के घर में कोई तो डेली खाता है, लेकिन अगर कोई नहीं भी खाता है, लेकिन आज के त्यौहार में खाना ही होता है घी ज़रूर। तो अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, इसलिए आज के त्यौहार का नाम है घी संक्रांत। तो मैंने बना दिया है कुछ खाने में, जैसे कि मैंने बना रखे हैं छोले और पूड़ी। वैभव चला गया था सुबह सुबह स्कूल, तो वैभव को बना के देना था, तो मैंने वैभव को बना करके दे दिया है खाना। और अब मैं नहा करके आ चुकी हूँ, दिया भी जला दिया है, और शेखर कर रहे हैं अपने ऑफिस का काम। तो मैं फिलहाल हमारी टेक्निक, ऊपर छत पे थोड़े सुखा दिए, अगर बारिश हुई तो यहाँ डाल दिए ताकि उनमें स्मेल ना आए, वरना स्मेल आने लगती है गीले कपड़ों में। तो कैसा लगा हमारा जुगाड़ आपको? देखो, मेरे पति परमेश्वर मेरी सासू माता के लिए अचार ले आए हैं खूब सारा। इसमें करेले का है और इसमें है बांस का, और ये है सॉरी बांस का ये है, इसमें आम का है। तो उनको अचार अच्छा लगा था जो हमने एक बार पहले आप लोगों को दिखाया था, तो सासू माता ने कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे लिए और मंगा देना। तो ले आए हैं ये डिब्बे भर के, और मुझे अच्छा लगा था लहसुन का, वो हमने किचन में रखा हुआ है लहसुन वाला। सुबह सुबह सारी बॉटलें भर दी हैं पानी की, क्योंकि फिर दोपहर में आए ना आए, और ये भी भर के रख दिया है। और ये बनाए हैं मैंने छोले, कैसे लग रहे हैं? ये सुबह बना दिए हैं इसलिए थोड़े ना वो हो गए हैं, ग्रेवी की गाढ़ी गाढ़ी हो गई है। अभी गरम करूँगी तो फिर ठीक हो जाएंगे, मतलब खाने लायक सही। और वैसे भी पूड़ियों के साथ तो ऐसे ही छोले अच्छे लगते हैं। अब मैं बनाती हूँ गरम गरम पूड़ी। पतिदेव जी तो कह रहे हैं कि वो रोटी खाएंगे, बस एक पूड़ी खाएंगे और एक दो जितनी भी खाएंगे वो रोटी खाएंगे। एक्चुअली मैं उनके पास कैमरा बार बार नहीं ले जाती हूँ, क्योंकि वो वर्क में बिजी रहते हैं काम में अपने, तो इधर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये निकाल दी गई है भगवान जी के लिए, इसको मैं मंदिर पे चढ़ा देती हूँ। और ये बाकी पूड़ियाँ बन रही हैं, क्योंकि मुझे पूड़ियाँ ज़्यादा बनानी नहीं है। शेखर पाठक तो रोटी खाएंगे, देखो कैसे बन गई फूली फूली पूड़ी। और ये रख दी हमने यहाँ। फ्रेंड्स, पूड़ियाँ हो चुकी हैं रेडी, लेकिन अभी खाने वाले रेडी नहीं हैं। तो मेरा काम हो चुका है किचन का फाइनल, बस लेकर आ जाते हैं नहा करके, तो उनको मैं देती हूँ खाना, फिर मैं भी खाऊँगी। लगा दी है शेखर मांसे के लिए थाली, जिसमें कि रख दी है घी लगा के दो रोटियाँ, क्योंकि घी खाना तो ज़रूरी होता है आज के त्यौहार में। और ये रख दिए हैं दो पूड़ियाँ, तो मैं इसको देती हूँ शेखर को। फ्रेंड्स, ये रख दिया मैंने अपने लिए पूड़ी, हरी मिर्ची, लहसुन का अचार और छोले। तो गाइस, फाइनली हम खा चुके हैं सग्यान। सग्यान कहते हैं इसको पहाड़ी भाषा में, मतलब हमारी उत्तराखंडी भाषा में बोलते हैं सग्यान, जिसको आप बोलते हो संक्रांत। तो छोले पूड़ी बनाए थे, मीठे में जो भी बनाऊंगी वो शाम को बनाऊंगी, क्योंकि आज मेरी भांजी भी आ रही है, तो वो दोपहर तक पहुँचेगी। थोड़ी देर पहले उसका कॉल आया था कि वो पहुँच चुकी है देहरादून से चल रही है, और काशीपुर वाली बस में बैठ चुकी है, तो वो 2 बजे तक पहुंचेगी काशीपुर, और उसको यहाँ आने में भी फिर आधा घंटा लग ही जाएगा, तो वही 2:30-3 बजे तक पहुंच जाएगी। तो फिर दिन में जो भी बनाएंगे शाम को बनाएंगे मीठा,
वो वहाँ पढ़ती है, कॉलेज कर रही है, तो वो आ रही है, गांव जा रही है, तो रास्ते में हमारा घर पड़ता है, तो यहीं रुकेगी एक दो दिन, फिर जाएगी यहाँ से आगे। फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है दोपहर के 1 बज चुके हैं और मेरा हो गया है वैभव को लेने के लिए जाने का टाइम। तो मैं जा रही हूँ वैभव को लेने स्कूल। राइस मैंने चढ़ा दिया है और शेखर को बोल दिया है कि अगर चावल पे सीटी आएगी, मतलब प्रेशर कुकर पे अगर सीटी आएगी तो उसको बंद कर देना। तो हम जा रहे हैं वैभव के स्कूल, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैंने बोला था ना कि आज हमारी भांजी आने वाली है नामिका, इधर को हेलो बोलो। ये अभी अभी पहुंची है, देहरादून से आ रही है, थोड़ा थक गई है, अभी जा रही है नहाने फिलहाल, और मैं इसके लिए कुछ बनाती हूँ खाने। तो फ्रेंड्स, हो चुकी है शाम और टाइम हो रहा है रात के 8 बज रहे हैं और मैं रोज की तरह किचन में घुस गई हूँ। मेरा हुडिया देख के आप समझ सकते हो कि किचन में कितनी गर्मी हो रही है। चलो वो तो जो भी है, काम है, खाना बनाना है, खाना खाना है, खाना खिलाना है सबको। तो आज हमारे के घर पे फेस्टिवल भी मनाया गया, जैसे घी त्यौहार था आज, घी संक्रांति थी। तो सुबह हमने बना दिए थे छोले और पूड़ी, और दिन में मैंने बताया था मेरी भांजी आई हुई है, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, वो मेरी भांजी है और देहरादून से आई थी, तो थक गई थी, थोड़ी देर उसने रेस्ट किया, तो उसने कहा मुझे मैं आटा लगा देती हूँ। मैंने कहा ठीक है, फिर पहले तो मैंने मना कहा, मैंने कहा रेस्ट कर ले थोड़ी देर, उसने कहा नहीं मैं लगा दूँगी, तो आटा भी गूँध लिया है। और अब मैं बना रही हूँ सब्जी, और मेरे आ रखे हैं आज चाचा ससुर जी, मतलब शेखर के चाचा जी आए हुए हैं, वो भी यहीं पास ही रहते हैं। तो हमने कहा आज वो दिल्ली से अपनी फैमिली से मिल के आए थे, तो हमने कहा कि क्यों ना आज यहीं खा लो खाना, त्यौहार का दिन भी है। तो मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी, शाही पनीर, जिसका कि मैं हूँ ग्रेवी वगैरह, अभी ये पकेगी। और ये काट रही हूँ मैं तोरी। शेखर ना, शेखर की आदत है कि वो ढेर सारी सब्जियां ले आते हैं एक साथ। पिछले फ्राइडे को मैं तो यहाँ थी नहीं, मैं गई थी अपने घर गांव, तो वो बीन्स भी ले आए थे और ये तोरी भी ले आए थे, लौकी भी ले आए थे, और क्या लाए थे, भिंडी भी, बैंगन भी, पता नहीं क्या क्या लेकर के आए थे। तो ये होने लग गई थी थोड़ी ख़राब, मैंने इनको काट के रख दिया, धो के रख दिया। मैंने सोचा कल सुबह बना देंगे इस तोरी थोड़ा सा साथ में, और थोड़ा बनाऊँगी सेवैयाँ, क्योंकि आज त्यौहार है, दिन में हमने कुछ मीठा नहीं बनाया, तो अभी मीठा बनाएंगे और सब खुश होकर खाते हैं मीठा। तो मैंने सोचा था रात को ही बनाऊंगी, और बनाऊंगी रोटियां। ये लगा दिया है आटा, मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद। किचन में ना ज़्यादा देर ये हो भी नहीं सकता एक्चुअली, बस मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैंने क्या क्या कर लिया है और मुझे भी क्या क्या करना है। मुझे ना ढेर सारे बर्तन मांजने हैं पहले, तो आज मैंने दोपहर से बर्तन नहीं मांज रखे हैं। वैसे मैं डेली बर्तन जितने भी होते रहते हैं मांजती रहती हूँ, लेकिन आज नहीं मांजे हैं, तो अब मांजूंगी, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ब्लॉग को पूरा देखिएगा प्लीज़। तो फ्रेंड्स, मटर पनीर बन चुका है, सॉरी मटर पनीर निकल रहा है मेरे मुँह से, ये पनीर ही पनीर बना है, शाही पनीर बना रखा है, ये बन चुका है। और इधर सेक रही हूँ मैं रोटियाँ, देखो मेरी रोटी कैसे बनती है, फूली नहीं है तो। और पता है मैं रोटियाँ बड़ी बड़ी बनाती हूँ, मेरी रोटियाँ छोटी नहीं बनती। और ये बना रखी है मैंने सेवैयाँ, वो मीठा करने के लिए, थोड़ा थोड़ा ही मीठा, ज़्यादा पसंद नहीं है। और ये बन गया सेवई, ये है तोरी की सब्जी। ये रख दिया मैंने थाली में खाना, और इसको दे रही हूँ मैं चाचा को। हाँ, वो चाचा ससुर जी आए हुए हैं ना, तो उनके लिए लेके जा रही हूँ। चाचा ये आए हैं, चाचा। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा खाना हो चुका है, टाइम हो चुका है रात के 10 बज चुके हैं और मुझे नींद भी आने लग गई है, लेकिन आज उससे पहले हमें खानी है आइसक्रीम। ये लेके आए हैं शेखर आइसक्रीम, तो इसको मैं रखती हूँ बाउल में और सबको देती हूँ। शेखर सर्व कर रहे हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसा भी कभी आप लोगों ने देखा है कि परात में ही आइसक्रीम खाते हुए? यहाँ कुछ भी हो सकता है, इस घर में कुछ भी पॉसिबल है।
हम खा रहे हैं कटोरी में सबके सब, हम जरा जरा खा रहे हैं, उन्होंने पूरी परात ही पकड़ ली है। तो फ्रेंड्स अब वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ, जानने वालों के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।